हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं आपके साथ एक्सेल के अलावा कुछ और टेक्निकल चीज़ों पे। मेरा कंप्यूटर है, मैंने इस पे विंडो 11 डाला है और ये थोड़ा सा स्लो परफॉर्मेंस कर रहा है। अब मुझे इसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है, पर दूरी रैम अपग्रेड करने की मुझे ज़रूरत है। बट मुझे ये पता करना है कि इसमें पहले से कितने रैम लगे हुए हैं, कितने स्लॉट्स हैं और कितने स्लॉट्स में रैम लगे हुए हैं और इसकी कैपेसिटी कितनी है। तो कैसे पता चले, तो उसके लिए आपको कंट्रोल अल्ट डिलीट, जी हाँ कंट्रोल अल्ट डिलीट, ये आपका टास्क मैनेजर खुल के आता है। जी हाँ, और वो टैक्स एंड टैक्स करने के लिए टैक्स मैनेजर खोलते होंगे, तो टैक्स मैनेजर खुल के आता है। अब इसमें यहां परफॉर्मेंस आपको दिख रहा है, परफॉर्मेंस पे जाना जहां पे बाय डिफॉल्ट सीपीयू होता है, सीपीयू की स्पीड और बाकी चीज़ें आप यहाँ देखती दिखता है आपको, कितना परसेंट फ्लाइज है, कितना स्पीड है और बाकी क्या है वगैरह वगैरह। इसकी नीचे मेमोरी पे आई, अब मेमोरी पे यहाँ पे दो स्लॉट बने हुए हैं। जी हाँ, दो स्लॉट यहाँ पे 8.GB है, 7.9GB यूज है, लेकिन 8GB का है, लेकिन 100 MB का हर फिर है। उसके अलावा यहाँ देखिए दिखाएगा कि टोटल मेमोरी कितनी है और कितने स्लॉट्स हैं। जी हाँ, यहाँ स्लॉट्स दिख रहा है आपको, टू ऑफ द टू स्लॉट्स यहाँ पे दिए हुए हैं और इसकी स्पीड कितनी है, 2400 mAh, 2400 mAh इसकी स्पीड है। अब इसमें ये तो चीज़ जान गए, दूसरा आता है हमें पता करना है कि भाई इसमें लग कितना सकता है। जी हाँ, कितना लग सकता है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, इसकी मैक्सिमम स्पीड। हालांकि इसकी मैक्सिमम स्पीड जो है आपको, इसकी मैक्सिमम स्पीड आपको खरीदते से पता चल जाता होगा, लेकिन वो तो बहुत पहले कर देता है, सारा मेनू वगैरह गायब है, तो क्या करें। तो इसके लिए आपको यहाँ पे CMD ओपन करना है। जी हाँ, कमांड प्रॉम्प्ट, और कमांड प्रॉम्प्ट में लिखना है MIC। अब मैं देख के लिख रहा हूँ, मुझे याद नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसलिए इसलिए स्लो हो रहा है। मैम मतलब मेमोरी फिजिकल, FPHYSICAL, मेम फिजिकल स्पेस दीजिए, गेट मैक्स CAPACITL मैक्स कैपेसिटी, एंटर मारिए। सॉरी, छोटा सा दिक्कत हुआ, तो W यहाँ पे जो होगा WMIC होगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। जी हाँ, तो जो मैक्स कैपेसिटी आप देख पा रहे हैं ये हमारा KV में। जी हाँ, अभी KV को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, GB में, क्योंकि सब लोग इतने होशियार तो नहीं है जो इसको ट्रांसलेट कर लें। तो यहां से KV to GB हमने गूगल की मदद ली, गूगल पे सर्च कर रहा हूँ। देखिए सिस्टम थोड़ा स्लो चल रहा है क्योंकि मैंने कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह इसमें इस्तेमाल कर लिया है इसलिए। तो इसमें 33 GB जो है इसमें लगेगा। जी हाँ, 33 GB, 33 GB इसमें लगेगा, इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है। अब मैक्सिमम कैपेसिटी आप ले ही रहे हैं तो इसी में कॉमा दे दीजिए और यहां पे लिख दीजिए MEMORY, मेमोरी डिवाइसेस, DEVI
DEVICES, तो यहाँ पे स्लॉट टू आपको दिख जाएगा। तो इस तरह से पता कर सकते हैं। मेरी ज़रूरत थी, मैंने रिसर्च किया, हालांकि मैं इसकी टेक्निकल बैकग्राउंड में सिर्फ मुझे हालांकि मैंने MCA कर रखा है, बट सिर्फ पास आउट के लिए। वी आर एक्सपर्ट ऑन द डेटा एनालिटिक्स, इस सब चीज़ों पर जानकारी नहीं थी, तो मैंने भी रिसर्च के लिए बनाया। तो मैं सोचा कि मेरे भी व्यूअर्स हैं, उनको भी पता चल जाए। तो बने रहे मेरे चैनल पे और देखते रहे मेरा एडवांस एक्सेल एंड MIS रिपोर्ट ऑटोमेशन की वीडियोस। थैंक यू।